भी तो यही है। किसी शायर ने कहा है, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता हम नाम उसका, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम उसका, कोई उस जैसा हो तो फिर उस नाम भी उस जैसा रखे। बहुत बार लोग जो भगवान का नाम रखते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा निजी विचार है कि भगवान का नाम रखने की बजाय भक्त का नाम रखना चाहिए, क्योंकि मोते अधिक संत कर लेखा। वहीं नीचे जहां सूरदास जी की कुटिया थी, एक बनिया रहता था, व्यापारी, राशन की दुकान थी, लेकिन आज तक कभी ऊपर मंदिर में दर्शन करने नहीं गया था। क्या करता था, अपने किसी सेवक को भेजकर श्रृंगार पूछ लेता था, और जो वैष्णव दर्शन करने आते थे उनको बताता था, आहा हा कैसा सुंदर श्रृंगार आज श्रीनाथ जी ने धारण किया है, ऐसी सुंदर पाग है, ऐसा सुंदर अंगरखा है, ऐसे सुंदर आभूषण है। अब जो लोग लेने आते, बोले ये तो बहुत बड़ा वैष्णव भक्त है, सब दुकान छोड़कर इसी से सामान लेना चाहिए। एक दिन सूरदास जी आए, सूरदास जी को भी कहा, बोले महाराज सब लोग हमसे सामान लेते हैं, आपके चरण तो पहली बार इस दुकान पर पड़े। पर सूरदास जी ने कहा, बेटा आज तू मेरे हाथ लगाए तो तेरा उद्धार हो ही जाना चाहिए। सूरदास जी ने कहा, बेटा मैं तेरी सब चतुराई सब कुटिलता जानता हूं, तू अपने कौन सेवक से श्रृंगार पुछवाता है और कैसे लोगों को मूर्ख बनाता है। अब वो व्यापारी घबराया, सूरदास जी का बड़ा सम्मान था, सब लोग भगवत तुल्य मानते थे उनको, भाई सूरदास जी ने कहीं मेरी बात कह दी तो पोल खुल जाएगी। बोले महाराज अपराध हो गया, अब आप जब कहेंगे मैं दर्शन करने चलूंगा। तो सूरदास जी ने कहा, ठीक है हम तुमको सूचना भिजवा देंगे, दर्शन करने आ जाना। संध्या को सूचना भिजवाते तो अरे महाराज दुकान पर बड़ी भीड़ है, शयन को भिजवाते तो अरे अंधेरा हो गया लौटूंगा कैसे, मंगला को भिजवाते तो अरे महाराज बोनी का टाइम है, गाग खाली लौट जाए तो अब शकुन हो जाएगा। ऐसे क्या है, व्यापारी लोग बहाना ढूंढते हैं सत्संग में ना आने का, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। सेठ जी को लगन थी एक के दस कीजिए, यही लगन रहती है दिन रात रात दिन। सेठ जी को लगन थी कि एक के दस कीजिए, और मौत ने आके कहा, हजरत जान वापस कीजिए, टाइम हो गया आप चलो। तो दो दिन सूरदास जी को सूचना भेजते हुए लाला जी नहीं आए। सूरदास जी ने कहा, इसका कल्याण तो मुझे करना ही है, मन में ठान लिया, पहुंच गए। बोले दो दिन हुए तुम्हें मुझे भी मूर्ख बनाते, अब कल सुबह देखो जब सब भीड़ इकट्ठी होगी ना, जिस भीड़ के लोभ और लालच में तुम आज तक सीधे साधे वैष्णव जनों को मूर्ख बनाते आए हो, देखना उनके सन्मुख कल मैं क्या करामात दिखाता हूं। अब तो लाला जी कांप गए, बोले कल सुबह तो अब पोल पट्टी खुली। बोले महाराज कल सुबह आपके साथ निश्चित चलूंगा। सूरदास जी कर पकड़कर ले गए श्रीनाथ जी के सन्मुख, संत हृदय नवनीत समाना। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, मुद मंगल में संत समाजू, जुग जग जंगम तीरथ राजू। गिरिराज जी ने तो कल्याण नहीं किया बनिए का, उस व्यापारी का, सूरदास जी के मन में दया आ गई। इसीलिए मुद मंगलमय संत समाजू, जुग जग जंगम तीरथ राजू। भक्त संग को एक छिन देत भक्ति उपजाए। ले गए श्रीनाथ जी के सन्मुख किया, बोले प्रभु ये आपकी ध्वजा के नीचे रहता है। संसार में तो कहते सुना जाता है, देखा जाता है कि दीपक तले अंधेरा, लेकिन आपके श्री चरणों की छाया में रह के कोई आपसे विमुख रह जाए ये अच्छा नहीं लगता, इससे आपकी शोभा में कलंक लगेगा, आपके यश में आपकी कीर्ति अपकीर्ति होगी। प्रभु इसको ब्रज धाम का वास मिला है, ये ब्रज रज में जन्मा है, ब्रज रज का नित्य सेवन करता है तो भगवदीय जीव, अपने स्वभाव से आपसे विमुख हो गया है, आपके श्री चरणों में मेरी विनय है प्रार्थना है, इस जीव का कल्याण करिए। परहित सरस धर्म नहीं भाई। और ठाकुर जी रीत जाते हैं संतों की इस पर दुख कातरता पर। श्रीनाथ जी ने कहा कि सूरदास जी जब आपने ही संकल्प कर लिया कि इसका कल्याण होना चाहिए, हम रोकने वाले कौन हैं। जैसे ही पट खुला श्रृंगार आरती का, श्रीनाथ जी ने अपनी भुवन मोहिनी ऐसी झांकी उस व्यापारी को दिखाई कि व्यापारी ने जान लिया, पूरन पुण्यन ते रस खान जी मोहिनी मूरत आए निहारी, और चारों दिशान की ले छवियान के झांके झरोखे मैं कुंज बिहारी। सेठ जी कृतार्थ हो गए, कृतकृत हो गए। श्री सूरदास जी ने कृपा करके श्री गोस्वामी जी से ब्रह्म संबंध कराया, और गोस्वामी जी ने भी विनोद में कहा, बोले वाह सूरदास ये तो 60 साल का बूढ़ा बैल नाथा है तुमने,
जिसको नाथने की सामर्थ्य तो हम में भी नहीं थी। आज तुमने ऐसा काम किया है जो प्रभु भी नहीं कर पाए। 60 वर्षों से श्रीनाथ जी की ध्वजा के नीचे रहता है, आज तक कभी दर्शन करने नहीं आया, और आज तुम्हारी कृपा से। इसीलिए संत की कृपा जहाज होती है, जिस प्रकार लकड़ी के साथ लोहा भी पार हो जाता है, ठीक उसी प्रकार संत की कृपा से कुपात्र भी भगवत कृपा का अधिकारी बन जाता है। बहुत लंबा समय सूरदास जी धराधाम पर रहे। सूरदास जी के मन में यह भाव था कि मैं 125,000 पदों की रचना करूं। 100,000 पद तो सूरदास जी ने रच दिए, और जब 100,000 पद पूरे हुए तो श्री ठाकुर जी के मन में आया कि अब सूरदास जी को नित्य धाम आ जाना चाहिए। उधर सूरदास जी के मन में यह भावना कि 25,000 और पूरे हो जाएं तो। अगले दिन सूरदास जी ने अपना सूर सागर खोला तो सेवक ने कहा, बोले महाराज इसमें तो पद पूरे हैं। अरे एक रात में 25,000 पद कौन ने लिख दिए? ठाकुर जी ने कहा, जो पद सूर श्याम की छाप से लिखे हैं वो सब हमने पूरे कर दिए, क्योंकि आपसे दूर रहना अब हमें सुहाता नहीं। अब आप शीघ्र यह लीला का संवरण करिए और हमारे निकट आ जाइए। सूरदास जी ने श्री ठाकुर जी की इच्छा जानी, भगवत इच्छा जानी, और दिन नियत कर एक दिन श्री गोस्वामी जी क्या देखते हैं कि आज राग सेवा करने, कीर्तन सेवा करने सूरदास जी नहीं आए हैं। गोस्वामी जी समझ गए, श्रीनाथ जी की ओर देखा, ठाकुर जी के नैनों में जल भरा था। गोसाई जी ने सब वैष्णवों को बुलाया, बोले आज पुष्टि मार्ग का जहाज जाने वाला है, जिसको जो लेना है ले लो। सब लोग सूरदास जी के ग्राम के निकट गए। सूरदास जी मंदिर की ध्वजा की ओर सिर करके लेटे थे। कुंभन दास जी, चतुर्भुज दास जी, गोविंद स्वामी, नंद दास, जितने और सुहृद थे सब निकट पहुंचे। गोस्वामी जी ने सूचना भिजवा दी कि राजभोग की सेवा के पश्चात हम भी आ जाएंगे। और वहां सूरदास जी मन ही मन ये सोच रहे थे कि इस अंतिम समय मुझे गोसाई जी के दर्शन हो जाते तो जीवन धन्य हो जाता। राजभोग की सेवा संपन्न कराई और श्री गोसाई जी सूरदास जी के सन्मुख पहुंच गए। गोसाई जी का दर्शन करते ही सूरदास जी का रोम रोम पुलकित हो गया। प्रेम के आठों भाव, सात्विक भाव देह में प्रकट हो गए। गोसाई जी ने संकेत किया कुंभन दास जी को कि पूछो इस समय इनकी मन की वृत्ति कहां है। सूरदास जी से पूछा, बोले सूरदास जी इस समय मन कौन लीला में लगा है? सूरदास जी ने गाया, बलि बलि हो कुंवर राधिका, नंद सुवन जासो रतिमान। और ये कहकर संकेत कर दिया कि श्याम सुंदर की सेवा, श्याम सुंदर की आराधना और श्याम सुंदर की समस्त प्रेम लक्षणा भक्ति का सार है वृंदावनेश्वरी श्री राधा के चरणारविंद, और इस समय मेरे मन की वृत्ति वही है। कुंभन दास जी के मन में एक संशय आया, बोले चलते चलते सूरदास जी से पूछ लेना चाहिए। बोले सूरदास जी, आपने प्रथम पद से लेकर आज तक ठाकुर जी का यश तो खूब गाया, अनंत अनंत गाया, लेकिन आपने अपने गुरु का यश नहीं गाया, आपने अपने गुरु की प्रशस्ति में कुछ नहीं गाया। सूरदास जी मुस्कुरा दिए, बोले कुंभन दास जी, ये तो केवल दृष्टि का भेद है, मुझसे पूछिए तो मैंने तब से लेकर आज तक केवल अपने गुरु का ही यश गाया है, क्योंकि मैं ठाकुर में और अपने सदगुरु में कभी भेद दृष्टि रखता ही नहीं। मेरी दृष्टि में दो हो तो मैं दो का यश गाऊं। फिर भी आपने आज कहा है तो ये सूरदास जाते जाते उन्हीं वल्लभ के चरणों में विश्राम लेता है, उन्हीं वल्लभ के उन चरण युगल में विश्राम पाता है जिसने इस द्विविध आंध्रे सूर को सूरदास कर दिया, भक्तराज मन भावन कर दिया, श्री कृष्ण के अनुकूल कर दिया, लीला रस उपयोगी कर दिया। सूरदास जी ने अंतिम पद गाया, भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो, भरोसो दृढ़ इन चरणन भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो, शिवल्लभ नख चंद्र छटा बिनि, शिवल्लभ नख चंद्र छटा बिनि, सब जग माहे अंधेरो, दृढ़ इन चरणन के रो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो, दृढ़ इन चरणन के रो, स
साधन और नहीं आज जग में, साधन और नहीं आज जग में, जासो होत निबेरो, जासो होत निबेरो, भरोसो भरोसो दृढ़ीन चरणन के। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरण के भरोसो, सदगुरु के पावन चरण उनके चरण रेणु का स्मरण करते हुए सूरदास जी ने भगवत लीला में प्रवेश किया। और एक छोटा सा भाव, दो पंक्तियां अपने सदगुरु के चरणों का ध्यान करते हुए कहकर वाणी को विराम दूंगा। कुर्बान जाऊं सो वेला सुहावी, जित तुम्हारे द्वारे आया। कुर्बान जाऊं सो वेला सुहावी, जित तुम्हारे द्वारे को, प्रभ भय कृपाला सतगुरु पूरा पाया। नानक को प्रभ भय कृपाला सतगुरु पूरा पाया, सतगुरु पूरा पाया, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला हो, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होवे निहाला, सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होवे निहाला, तन मन होवे निहाला, चरण कमल तेरे धोए धोए गुरु दीन दयाला, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। इसी भाव के साथ आप सबके हृदय प्रेम प्रभु को प्रणाम करते हुए आज की वाणी, आज का भाव सतगुरुदेव के चरणों में सभी